नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आज देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम चारों तरफ दिखाई दे रही है। जोर शोर से तैयारियां भी चल रही हैं। कई जगहों पर तो बड़े बड़े पंडाल्स लगाए गए हैं और कई जगहों पर कल ही कृष्ण जन्माष्टमी मना ली गई थी, लेकिन मथुरा में आज कृष्ण जन्मोत्सव जो है उसकी तैयारियां धूमधाम के साथ चल रही हैं। चार तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखेंगे। मंदिर फूलों से सजे हैं और कृष्ण को तैयार करने की तैयारियां भी यहां पर दिखाई दे रही हैं। तो आप जैसा कि पढ़ सकते हैं कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम दिखाई दे रही है। बाजारों में भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां भरी पड़ी हैं और एक से एक मूर्ति ऐसी कि मन को पूरी तरह से मनमोहित कर देने वाली। आज श्री कृष्ण का जन्मदिवस है और हर घर में आज लोग उनकी जन्मदिन मनाने की पूरी तैयारियां कर रहे हैं। जो मिष्ठान है भंडारे भरे हुए हैं, कृष्ण के श्रृंगार को लेकर जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, बच्चे हैं, वो बाजारों में निकले हुए हैं। अलग अलग तरह की झांकियां जो हैं उनकी भी तैयारी दिखाई दे रहे हैं। हांडी फोड़ने की जो प्रक्रिया है, प्रतियोगिता हमेशा होती है, वो भी अलग अलग दिखाई दे रही है। चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, गुजरात हो, यूपी हो, हर जगह से तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। सुबह से ही भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां दिखाई दे रही हैं। अबीर गुलाल भी हर जगह दिखाई दे रहा है, क्योंकि कृष्ण जन्मोत्सव पर अबीर गुलाल का भी बहुत महत्व है। कई जगहों पर फूलों का बहुत महत्व होता है। कई मंदिरों में फूलों से पूरा मंदिर सजाया हुआ है। कहीं पर अलग ही छटा जो है वो देखने के लिए मिल रही है। कई जगह ऐसी भी हैं, अगर बात करें मथुरा की, तो मथुरा में भी बांके बिहारी के मंदिर को आजादी के अमृत महोत्सव की थीम पर सजाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ भी कुछ देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर दर्शन पूजन भी होगा। फिर शाम रात 12 बजे कृष्ण का जन्मदिवस मनाया जाएगा। अलग अलग तरह की मिठाइयां, पूजन विधि जो है वो दिखाई दे रही है। चार तस्वीरें आप देखेंगे अलग अलग मंदिर की, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो भक्तों की भीड़ है वो सुबह से ही लगनी शुरू हो गई है। मंदिर पूरी तरह से सजे हुए हैं, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है। अगर बाजारों की मैं बात करूं तो बाजारों में भी ये रौनक कल से ही देखने के लिए मिल रही है। चाहे बाल गोपाल हो, चाहे बड़ी मूर्तियां हो, एक से एक मूर्तियां मनमोहक ऐसी जिसे देख के ही लगे कि बस अभी लड्डू गोपाल को अपने घर ले जाएं। तो ऐसी तैयारियां मंदिरों में देखी जा रही है, चाहे वो नोएडा का इस्कॉन टेम्पल हो या फिर दिल्ली का इस्कॉन टेम्पल हो, यहां पर भी अलग ही तस्वीरें सुबह से नजर आ रही है। हर कोई कृष्ण के जन्मोत्सव के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। बाकी न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया भी हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाता रहेगा, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा। मथुरा में किस तरह का माहौल है, मथुरा में जन्मोत्सव को लेकर क्या तैयारी है, गोकुल में बरसाने में किस तरह का माहौल है, वो हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे खबरों का। हरदोई के चतराका गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों पक्षों के चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं दोनों पक्षों की तहरीर पर पुलिस ने 22 नामजद और 52 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। बवाल के बाद हरकत में आई पुलिस ने गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरपालपुर, अरवल, लोनर समेत 3 थानों की पुलिस तैनात कर दी है। एएसपी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच की जा रही है। किस थाना क्षेत्र का ये क्या पूरा मामला है और क्या इसमें कार्रवाई किया है? ये थाना क्षेत्र हरपालपुर में एक गांव है बन रही चतरखा, यहाँ पे दो पक्ष शिव कुमार शुक्ला और दूसरा पक्ष है राजेंद्र सिंह, उनके विवाद हुआ है और आपस में दोनों ने ईंट पत्थर चलाए हैं, जिसमें 6 लोग घायल हैं और इसमें दोनों पक्षों की तरफ से अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत? एक पक्ष शिव कुमार की तरफ से 14 लोग नामजद कराए हैं और कुछ अन्य ज्ञात हैं और दूसरे पक्ष की तरफ से 8 लोग नामजद हैं। तो कोई पुरानी रंजिश वगैरह भी बताई जा रही है? हाँ, इनका कोई पुरानी रंजिश बताया जा रहा है, इसकी जांच की जा रही है। पहले तो बरगाई चतरखा के प्रधान भी रहे हैं, हमारी माता जी भी रहे हैं प्रधान, हम लोगों की पुरानी रंजित प्रधानी को लेकर है। आलोक सिंह जो प्रधान हुए हैं, ये अपने समर्थक 300 समर्थकों के साथ हम लोगों
इज्जत पर धब्बा लगाने के लिए हमारे घर में घुसते हैं, महिलाओं और बच्चियों से छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं। जब हम इसका विरोध करते हैं तब ये लोग हम लोगों को लाठी डंडा बंदूक तमंचा धारदार हथियारों से हमला करते हैं, जिसमें हम लोग कई लोग घायल हुए हैं। और हम आज SP साहब से कैसे क्या हमला कैसे किया था, घर पे हमला कैसे किया? ईंटा पत्थर बंदूक तमंचे लेकर धारदार हथियार लेकर। साजापुर के टोरमंस इंटरनेशनल स्कूल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। स्कूल के सभी बच्चे राधा कृष्ण बनकर स्कूल पहुंचे। स्कूल को भी कृष्ण जन्मोत्सव के लिए सजाया गया था। साथ ही जन्माष्टमी को लेकर स्कूल में दही हांडी उत्सव, राधा कृष्ण रैंप वॉक जैसे कार्यक्रम भी रखे गए थे। उत्तराखंड के नैनीताल में इस साल मां नंदा देवी महोत्सव 1 सितंबर से 7 सितंबर तक धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इसके लिए जिला कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी धीरज सिंह गब्रियाल की अध्यक्षता में श्री राम सेवा सभा के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में श्री राम सेवा सभा के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को मां नंदा सुनंदा की प्रतिमा भेंट की। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि 2 साल से COVID-19 के कारण मां नंदा देवी महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन भव्य रूप से नहीं हो पाया था, इसलिए इस साल मेले का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने पुलिस विभाग को सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। जुड़े और नियुक्त राज्य भर्ती माहौल की थी और साथ के वित्त माह अधिकारी और कर्मचारी को जो कराया है, जो जो सुविधाएं गत वर्षों में हम लोग प्रदान करते हैं हम लोगों को संचालित करने के लिए, वो सारी सुविधाएं हम लोग देंगे। और उसके अलावा भी जो हम लोग डिमांड होगी, क्योंकि साल में एक बार हमारा मेला भी आता है और विगत 2 वर्षों में कोविड की वजह से मेला संपन्न नहीं हो पाया। फतेहपुर के दौलतियापुर गांव में चुनावी खुन्नस में प्रधान प्रतिनिधि के साथ कुछ लोगों ने जमकर मारपीट की और साथ ही हथियार भी लहराए। मारपीट और हथियार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। देखा जा सकता है कि किस तरीके से कुछ लोग एक शख्स को घेरे हुए हैं, उसके साथ मारपीट पर आमदा है। इसी दौरान बीच बीच में कुछ चीखते चिल्लाते भी नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो दौलतपुर गाँव का है, जहाँ पर दंगल के दौरान चुनावी खुन्नस में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ मारपीट शुरू कर दी। वहीं पूरे मामले की शिकायत लेकर प्रधान प्रतिनिधि SP ऑफिस पहुंचा था, जहाँ उसने पूरे मामले में जांच के बाद कार्रवाई की मांग की है। अगस्त को ग्राम पंचायत बनियानी में दंगल का आयोजन था, जो ग्राम प्रधान द्वारा कराया जाता है हर वर्ष की तरह। इस बार भी कराया गया, लेकिन वहां पे अराजकता फैलाने के लिए प्रधान के से जिनकी रंजिश थी वो आ गए और रास्ते में खड़े होकर रास्ता नहीं दे रहे थे, दंगल में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, जिसको प्रधान के विरोध करने पर प्रधान के ऊपर जानलेवा हमला किया, मारपीट किया और उसके बाद दंगल में अराजकता फैलाई। और जब पुलिस प्रशासन को अवगत कराया गया, पुलिस प्रशासन मौके पर आया और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हुई, अभी तक न FIR दर्ज की गई है। इसके लिए हम लोग प्रधान संगठन आक्रोशित है, हम सभी प्रधानगण आए हैं SP महोदय के पास, मिलकर FIR दर्ज कराएंगे और कानूनी कार्रवाई कराएंगे। मैंने आया कि हमने अपने गांव में दंगल का आयोजन करवाया था, जिसमें कुछ दबंग लोगों ने वहां पे आके अभद्रता करने लगे और रास्ता को रोक दिया, जिसमें हमने उनको कहा कि भैया रास्ता क्यों रोके हो, तो इतने में हमें उठा करके नीचे फेंक दिया। इसके बाद जब हम वहाँ से बाहर निकले तो हमारे ऊपर मार धार करने लगे, वह राइफल भी हमारे सीने में तान दी, राइफल की गोली मिस हो गई वरना हमारा जान से हमें मार देते। बलरामपुर जिले में प्रदेश के उद्यान एवं कृषि विपणन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने पहुंचकर विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया। राज्य मंत्री ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लाभान्वित रेहड़ी पटरी दुकानदारों और ODOP योजना के लाभार्थियों को मिल रहे सुविधा और समस्या की जानकारी ली। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों ने इस योजना की सराहना करते हुए इसे गरीबों के लिए लाभकारी बताया। कि आज हम रेहड़ी पटरी वालों का हाल चाल लेने के लिए माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुपालन में बलरामपुर में उपस्थित हैं और एक भी रेहड़ी पटरी वाले से लेकर के उद्योगपति ने नहीं कहा कि सरकार की किसी नीतियों से मुझे कोई तकलीफ है। ये हमारे लिए संतोष और सौभाग्य की बात है कि हमको आज बलरामपुर का सब कोई हमारी सरकार की नीतियों को सहर्ष स्वीकार कर रहा है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिनके बारे में जिन्होंने ऐसी बात सोची
कि सरकार जनता के द्वार जाए और जनता के द्वार जा करके अपनी जो भी उनकी जरूरत। बलरामपुर जिले के दौरे पर आए कृषि निर्यात मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और कृषि मंत्री बलदेव सिंह औलाख ने संयुक्त जिला चिकित्सालय और महिला जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार निरीक्षण होना था, इसलिए संयुक्त जिला चिकित्सालय और महिला जिला चिकित्सालय के CMS और कर्मचारियों ने पूरी तरह से चिकित्सालय को चुस्त दुरुस्त किया। बावजूद इसके कृषि निर्यात मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को कई खामियां मिली। उन्होंने इस बारे में वहां मौजूदा डॉक्टर्स और CMS को फटकार भी लगाई। साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, निशुल्क दवाओं वितरण, अन्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से मिलकर उनका हालचाल जाना, साथ ही उन्हें मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी भी ली। पीलीभीत में मृतक के अंतिम संस्कार को लेकर अपने परिवार के दो लोग आपस में भिड़ गए। मामला दो अलग धर्मों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसको लेकर मृतक की पत्नी ने जमकर बवाल खड़ा कर दिया। घटना जहानाबाद क्षेत्र के मोहल्ला काजी टोला की है। दरअसल थाना जहानाबाद क्षेत्र के 52 वर्षीय प्रमोद काफी दिनों से बीमार चल रहे थे, जिनका इलाज के दौरान लखनऊ में निधन हो गया और मृतक का शव उनके पैतृक गांव जहानाबाद पहुंचा तो मृतक की पत्नी सीमा, जो कि हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपना चुकी है, ईसाई धर्म के रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार कराने की जिद पर पकड़ ली। और वहीं मृतक युवक के परिजन हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कराना चाहते थे। दोनों के बीच आपसी खींचतान कई घंटों तक चली। इसकी सूचना पुलिस को लगने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के पिता, चाचा और ताऊ से बात कर मृतक का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ कराया। इलाके में हुई घटना के बाद से धर्म परिवर्तन को लेकर चर्चाएं तेज हैं। लखीमपुर खीरी में एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की हुंकार भरी है। साथ ही लखीमपुर खीरी में संयुक्त किसान मोर्चा ने 75 घंटे का धरना प्रदर्शन भी किया। धरने के पहले दिन ही करीब 20,000 से ऊपर किसान पहुंचे। लखीमपुर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा, साथ ही किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहा। इसके साथ ही राजपुरा मंडी में किसान आंदोलन को लेकर दूरदराज से किसानों का जत्था आना शुरू हो गया। DM IG लक्ष्मी सिंह SP खीरी के साथ संयुक्त सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंची। राकेश टिकैत की मांग है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्ती हो, जेल में बंद किसानों को रिहा किया जाए, साथ ही चीनी मिल के बकाया भुगतान भी किया जाए। और अब खबर गाजीपुर से, जहां SOG और दुल्हापुर थाने की पुलिस ने 14 अगस्त की रात लेनदेन और आशनाई के चक्कर में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पकड़े गए आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। इस बात का खुलासा SP रोहन पी बोत्रे ने अपने कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया। आशीष चौहान है, उसकी हत्या की सूचना पुलिस को 112 के जरिए प्राप्त हुई थी। हम लोगों ने मौका मुआयना भी किया था, कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंसेस मौके से उठाए थे फील्ड यूनिट द्वारा, SPCT और सारे अधिकारियों द्वारा वहां का मौका मुआयना जो है वो किया गया था। आज उस प्रकरण में पुलिस को 3 लोगों को अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त हुई है, जो इसके मेन 3 अभियुक्त हैं, ओम प्रकाश यादव, पिंटू यादव और संदीप कुमार। इसमें दरअसल केस ये था कि आशीष चौहान और ओम प्रकाश यादव एक ही लड़की से प्यार न करते थे। इसी लड़की को लेके दोनों में लगातार जो है वो विवाद होते रहता था। ओम प्रकाश यादव ने एक बार नजस्त ठान लिया था कि वो अपने बाकी अन्य साथियों के साथ इसकी हत्या जो है वो कर देगा। आशीष चौहान की पहले से ही रंजिश जो है वो पिंटू और संदीप के साथ जो है वो जो है वो संदीप की चच्ची। युवा वर्ग में सेल्फी का भूत सिर चढ़कर बोल रहा है। बरसात के मौसम शुरू होते ही झरना डैम और जंगलों में लोग पिकनिक मनाने जाते हैं और सेल्फी के चक्कर में अपनी मौत के आगोश में समा जाते हैं। अभी हाल ही में 4 दिन पहले राजघाट डैम में सेल्फी लेते वक्त पानी में गिर जाने से एक युवती की मौत हो चुकी थी। उसके बाद फिर जनपद ललितपुर में थाना नाराहट अंतर्गत कनकदर जल प्रताप में पिकनिक मनाने गए मंडरवा के आधा दर्जन दोस्तों में से सेल्फी लेते वक्त 25 वर्षीय सोमिल जैन की पैर फिसलने से 80 फीट ऊंचाई से गिरने पर मौत हो गई। सुबह से ही नाराज पुलिस द्वारा सबकी खोजबीन जारी थी। बमुश्किल पुलिस को गोताखोरों की मदद से शव मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वाले इंडिया के साथ।